हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सनस्क्रीन के बारे में। सनस्क्रीन हमारे स्किन को तेज़ धूप से होने वाले नुकसान से बचाने का काम करती है, इसीलिए डर्मेटोलॉजिस्ट सनस्क्रीन को डेली स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बनाने की सलाह देते हैं। आपको बता दें कि सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर की तरह अप्लाई नहीं होता, इसके अप्लाई करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग होता है। आज इसी के बारे में हमसे बात करेंगे जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋषभ राज शर्मा, जो आपको बताएंगे सनस्क्रीन कब लगाना चाहिए, कितनी मात्रा में लगाना चाहिए और सर्दियों में क्यों जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ऋषभ राज शर्मा, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ डर्मेटोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे सनस्क्रीन्स के बारे में। सनस्क्रीन होती क्या है, क्यों लगाना चाहिए, कितने टाइप्स की होती हैं, कितनी मात्रा में लगानी चाहिए और किस टाइप की स्किन में किस टाइप का सनस्क्रीन लगाना चाहिए, सनस्क्रीन खरीदते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करते हैं। तो सनस्क्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें यूवी रेडिएशन से बचाता है। यूवी रेडिएशन एक तरह की किरणें हैं जो दिखती नहीं है, जो हमारी जो सूरज से आती है हमारे स्किन को डैमेज कर सकती है। तो वो किस तरह से हमारी स्किन को डैमेज करती है, जैसे टैनिंग हो सकती है, सनबर्न हो सकते हैं, पिगमेंटेशन हो सकती है, एजिंग हो सकती है, कुछ जल्दी प्रीमेच्योर एजिंग हो सकती है, उसके बाद एलर्जीज हो सकती है, इवन कैंसर हो सकती है। तो इसीलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। सनस्क्रीन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिजिकल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन एक ऐसा सनस्क्रीन है जब हम वो अपनी स्किन पे लगाते हैं तो जितनी भी यूवी रेडिएशन आती है उनको स्कैटर कर देती है, डिफ्लेक्ट कर देती है। और जो केमिकल सनस्क्रीन होती हैं वो स्किन के अंदर डीप जाके यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। सनस्क्रीन किस टाइप की स्किन में किस टाइप का सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, देखिए अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आप मैट फिनिश वाले सनस्क्रीन ज़्यादा यूज कर सकते हैं, तो वो आपके स्किन को ज़्यादा ऑयली नहीं करेगा। हालांकि अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो आप जेल फॉर्म या लोशन फॉर्म के सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन लेते टाइम आपने दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है कि SPF सनस्क्रीन का कितना है और PA वैल्यू सनस्क्रीन का कितना है। SPF डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि 30 SPF 30+ SPF 30 या 30 से ज़्यादा SPF वाले सनस्क्रीन हमें यूज़ करना चाहिए और PA वैल्यू एटलीस्ट 3+ जरूर होनी चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप सनस्क्रीन का प्रोडक्ट देखते हैं उसमें PA वैल्यू होती है, जिसमें प्लस 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 ऐसे करके लिखा होता है, तो एटलीस्ट 3+ से ऊपर वाला सनस्क्रीन हमें यूज़ करना चाहिए। सनस्क्रीन कितनी मात्रा में यूज़ करें, देखिए डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि दो फिंगर लेंथ यूनिट मतलब आप अपनी सनस्क्रीन को अपने फिंगर्स पे ऐसे स्प्रेड करेंगे और जितना सनस्क्रीन होगा उतना ही सनस्क्रीन आपने अपने फेस पे लगाना है। और लगाते टाइम आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि आप अपने आईज के अराउंड वाला एरिया, कान वाला एरिया और गर्दन, इनको मिस ना करें। सनस्क्रीन जो है वो आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बाहर जाते टाइम आप सनस्क्रीन लगाएंगे, आपने घर में बैठे हुए अगर आप इंडोर्स भी हैं और आपकी खिड़की ओपन है और सन की रेज अंदर आ रही है तो आपने तब भी सनस्क्रीन लगाना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गर्मियों में सनस्क्रीन लगाना है, आपने सर्दियों में भी सनस्क्रीन लगाना है और किसी भी मौसम में सनस्क्रीन लगाए बिना आप बाहर ना जाए। अगर आपको किसी और स्किन कंडीशन के बारे में मेरे से सलाह चाहिए तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है डॉक्टर ऋषभ राज @ gmail.com।